ये कहानी उस वक्त की है जब हम स्कूल में थे। मैं, दीपक और रोहन, हम एक ही क्लास में थे और हम एक ही स्कूल में भी थे। उस स्कूल में हमारा आखिरी साल था। हालांकि हमारे और भी दोस्त थे, लेकिन हम उनके साथ ज़्यादा नहीं रहते थे। उसकी वजह यह थी कि हम लोग अपने ग्रुप में और किसी को जोड़ना नहीं चाहते थे। मैं, दीपक और रोहन, हम तीनों एक साथ ही हमेशा क्लास करते थे। अगर हम तीनों में से किसी एक का भी क्लास करने का मन नहीं होता था तो हम तीनों ही क्लास में नहीं रहते थे, बल्कि हम कैंटीन में बैठकर बातें किया करते थे। स्कूल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारी क्लासेस अच्छी होती थी और हमारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही स्कूल में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। हमें पता चला कि क्लास 9th का एक लड़का स्कूल आने के बाद ही गायब हो गया था। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। ये बात बहुत अजीब थी। उस लड़के के घर वाले स्कूल आए थे। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि वो स्कूल आने के बाद ही गायब हुआ, पर प्रिंसिपल का जवाब ये था कि छुट्टी हो जाने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। उस लड़के के बाद 4 बच्चे और स्कूल से गायब हो गए थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के थे, वो भी तकरीबन 8th या 9th के थे। हम लोग क्लास 12th में थे, हमारा स्कूल में आखिरी साल था। हम लोगों के लिए ये सारी बातें थोड़ी अजीब थी। और इन सब के 5 दिन बाद ही हमारी क्लास की एक लड़की गायब हो गई। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया था। एक दिन की बात है जब मैं, दीपक और रोहन, हम तीनों साथ में थे। हमारी क्लास शुरू होने वाली थी लेकिन हमारा मन नहीं था, इसलिए हम एक खाली क्लास में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। यार, तुम लोग देख रहे हो स्कूल में आखिर हो क्या रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बच्चे यूं ही गायब हो जाते हैं, अब तो मुझे डर लगने लगा है। हाँ यार, डरने की बात तो है। एक लड़का गायब हुआ था तो समझ में आता था, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ गायब हो गए, ये बात अजीब है। तुम लोगों को पता नहीं है शायद, बहुत सारे लोग स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, वो स्कूल में रहना नहीं चाहते। हाँ, तो स्कूल छोड़ना ही ठीक रहेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा यहाँ से गायब हो जाए। देखो, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आखिरी साल है और स्कूल वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि स्कूल से बच्चे गायब नहीं हुए हैं, वो बच्चे स्कूल से बाहर जाने के बाद गायब हुए हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात पर यकीन कौन करता है? सब यही मानते हैं कि सारे बच्चे स्कूल से ही गायब हुए हैं। हम बैठकर यही सारी बातें कर रहे थे, तभी अचानक बेल बजी और हमें याद आया कि हमें क्लास करने जाना है, तो हम तीनों ही उठकर वहाँ से चले गए। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। स्कूल में जिनसे भी मिलो, चाहे वो जिस क्लास के भी हो, बस उनकी जुबान पर यही बातें रहती थी कि बच्चे स्कूल से गायब हो रहे हैं, अब स्कूल सेफ नहीं रहा, हमें ये स्कूल छोड़ना होगा और तमाम बातें। मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो होना था वो तो हो गया, अब इस पर ज़्यादा बात करके क्या फ़ायदा। धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था और अब सब कुछ ठीक लग रहा था। एक दिन मैं क्लास में ही था, मुझे एक किताब की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उठा और सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ एक गार्ड खड़ा था, उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा कि अब ये लाइब्रेरी बंद हो रही है, अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैंने उससे कहा, ये कैसे हो सकता है, ये लाइब्रेरी बंद नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ बहुत किताबें हैं, और बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? उसने कहा, एक दूसरी लाइब्रेरी बन रही है, वैसे तुम वहाँ से किताबें ले सकते हो। मैंने उससे कहा कि क्या यहाँ की सारी किताबें उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगी? उसने कहा, नहीं, यहाँ की कोई किताब वहाँ नहीं जाएगी, यहाँ सब कुछ इसी तरह बंद कर दिया जाएगा, नई लाइब्रेरी में तुम्हें फिर से पता करना होगा और वहाँ पर जो भी होगा तुम्हें मिल जाएगा। मैं वहाँ से चला आया, मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। जब फ्री पीरियड में मैं, दीपक और रोहन बैठे थे तो मैंने उनसे भी कहा, दीपक तुझे पता है पुरानी लाइब्रेरी बंद हो गई है, उसे पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, और वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी जितनी किसी और स्कूल में भी नहीं है। सही बात है यार, मुझे नहीं पता स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, ऐसी लाइब्रेरी
किसी भी स्कूल में नहीं है, खासतौर पर इतनी बड़ी और जिसमें इतनी ज्यादा किताबें हो। पता नहीं वो इसे क्यों बंद कर रहे हैं। और एक छोटी सी लाइब्रेरी खुल रही है, तुझे पता है उसमें पता नहीं कितनी किताबें होंगी। जरूरी बात ये नहीं है, जरूरी ये है कि वहाँ पर जितनी भी किताबें रखी जाएंगी वो सब कुछ नया होगा, बिल्कुल नए सिरे से। पुरानी लाइब्रेरी की कोई भी किताब नई लाइब्रेरी में नहीं भेजी जा रही। ये अजीब नहीं है एक लाइब्रेरी को किताबों के साथ बंद कर देना? क्या मकसद हो सकता है यार? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो बच्चे गायब हुए उनका लेना देना इस लाइब्रेरी से हो? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे छोड़ो, हमें इन सबसे क्या लेना देना, आखिरी साल है यार, छोड़ो, जाने दो, जो होगा कोई बात नहीं है। धीरे धीरे 10 दिन और गुजर गए। स्कूल में अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी अजीब नहीं था। पुरानी लाइब्रेरी को किताबों के साथ बंद कर दिया गया था और एक नई लाइब्रेरी थी, इसमें काफी कम किताबें थी, फिर भी हम उससे काम चला रहे थे। एक बार मैं, दीपक और रोहन, हम क्लास में ही थे और टीचर ने हमें एक अलग तरह का प्रोजेक्ट दिया जो हमें मिलकर बनाना था। मैं, दीपक और रोहन हम एक ही ग्रुप में थे। छुट्टी के वक्त हम तीनों स्कूल से बाहर निकल रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे। तब दीपक ने कहा, तुम लोगों को पता है जिस प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए पुरानी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अगर वहाँ से कोई किताब मिल जाए ना तो हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्यों ना कुछ किया जाए। तुम लोगों का मतलब क्या है, क्या किया जाए? मतलब साफ है रोहन, हम उस लाइब्रेरी में घुसेंगे और क्या। नहीं नहीं गाइस, ऐसा सोचना भी मत, उस लाइब्रेरी में कतई मत जाना। वो लाइब्रेरी मुझे पहले से ही एक भूतिया लाइब्रेरी लगती है। पता नहीं, अब तो वहाँ और अंधेरा होगा क्योंकि वो बंद कर दी गई है। देख, तू इतना घबरा मत, हम आज शाम को ही ये काम करने वाले हैं। हमें प्रोजेक्ट के लिए किताब चाहिए और हमें मार्क्स भी चाहिए, तू समझ रहा है? ठीक है भाइयों, तो सब कुछ सेट है, आज शाम को 6 बजे हम लोग स्कूल के गेट के पास मिलेंगे। सब लोग टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं भी पहुंच जाऊंगा, अभी निकलता हूँ। चलो दोस्तों, अभी के लिए बाय। ये कहकर हम अपने अपने घर के लिए निकल गए। शाम के 6 बजे मैं सबसे पहले ही स्कूल के गेट के पास पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद रोहन और दीपक भी वहां पर आ गए। मैंने उनसे कहा, देखो ऐसा है, मैंने सोच लिया है, तुम लोग बाहर खड़े होकर पहरा दोगे और मैं लाइब्रेरी के अंदर घुसूंगा, ठीक है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल स्कूल के अंदर घुसते हैं, हम लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहेंगे और तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। हम तीनों स्कूल के अंदर कूद कर चले गए। उसके बाद हम लाइब्रेरी के पास पहुंचे। राहुल, तू इसे खोलेगा कैसे, ये तो बंद है। तू उसकी टेंशन मत ले, मेरे पास जुगाड़ है, मैं कोई भी ताला खोल सकता हूँ। ठीक है फिर, मैं और दीपक यहीं पर खड़े होकर तेरा इंतजार करेंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, कोई भी आएगा तो फौरन मुझे आवाज देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैंने जैसे तैसे लाइब्रेरी का ताला खोल दिया और धीरे से लाइब्रेरी के अंदर चला गया। अंदर काफी अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल फोन का फ्लैश ऑन कर लिया था जिससे कि थोड़ी बहुत रोशनी हो जा रही थी। मुझे लगा इतने में काम हो जाएगा। मैं धीरे धीरे लाइब्रेरी के अंदर बढ़ता जा रहा था और अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मुझे लगा कि हो सकता है बाहर से आवाज आ रही होगी। मैं जल्दी जल्दी किताबें हटा हटा कर काम की किताबें ढूंढ रहा था। मैं किताबें हटा ही रहा था तभी अचानक मेरी उस पार नजर पड़ी। वहां पर एक अजीब सा जानवर था जिसे देखकर मैं हद से ज्यादा डर गया था। वो अजीब सी आवाज में गुर्रा रहा था, शायद उसने मुझे देख लिया था। मैं फौरन दौड़कर लाइब्रेरी के बाहर निकल गया। दीपक और रोहन ये देखकर घबरा गए थे। मैंने कहा, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। राहुल, क्या हो गया, क्या बात है, तू इस तरह दौड़कर क्यों आया, ऐसा क्या हो गया? तुझे यकीन नहीं होगा, स्कूल में जो बच्चे गायब हुए थे मुझे सब समझ में आ गया कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए। इस लाइब्रेरी के अंदर एक राक्षस है और शायद इसी राक्षस ने उन बच्चों को खा लिया। स्कूल वाले ये बात जानते हैं पर वो इस बात को सामने नहीं आने देना चाहते, इसलिए उन्होंने इस लाइब्रेरी को बंद करवा दिया है। देख राहुल, इन सब चक्कर में मत पड़,
स्कूल वाले क्या कर रहे थे या फिर क्या हुआ, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमारा आखिरी साल है, फालतू में बात खराब हो जाएगी। निकलते हैं यहाँ से। हाँ यार, यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा राहुल, चल जल्दी निकल। उस दिन हम वहाँ से भाग गए और अगले दिन जब हम स्कूल आए और हमने देखा कि उस लाइब्रेरी को पूरी तरह से बंद किया जा रहा था, मतलब एक दीवार उठाई जा रही थी। मैं सब कुछ समझ गया था पर मैं कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए हमने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तफरी गेमिंग पर टमाटर के कमाल के फनी वीडियोस देखने के लिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।